तो वहीं बीएसएफ के 57वें रेजिंग डे कार्यक्रम के दौरान गृहमंत्री अमित शाह पहली बार भारत पाकिस्तान सीमा के पास जैसलमेर पहुंचे। अमित शाह ने रोहतास चौकी पर सैनिक सम्मेलन में हिस्सा लिया और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात कर उन्होंने जवानों के साथ खाना भी खाया। उन्होंने जवानों जिनमें महिला जवान भी शामिल थी के बीच बैठकर राजस्थानी भोजन पूड़ी गट्टे की सब्जी दाल चावल केर सांगरी श्रीखंड और खीर खाई और उसी दौरान उन्होंने बीएसएफ के जवानों से वार्तालाप भी किया। इससे पहले अमित शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं यहां आप लोगों के बीच भारत पाकिस्तान सीमा पर एक रात रहने आया हूं। आपकी कठिनाई भरी जिंदगी को समझकर उन कठिनाइयों को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए ये एक प्रयास है। आप लोगों के साथ खाना खाना, आप जहां तैनात हैं वो पूरे देश में वीरों की भूमि के रूप में जानी जाती है। यहां ना झुकने का सिलसिला रहा है, सिर कटा दिए लेकिन झुकाए नहीं। राजस्थान ऐसे ही वीरों की भूमि है। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सहयोगी योगेश गर्जा इस वक्त मेरे साथ जैसलमेर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, देखिए, एक सैनिक के समान जीवन जीना और बीएसएफ सैनिक के समान जिनकी पूरी ड्यूटी जो सरहदी इलाकों में होती है, कड़ाके की ठंड, कड़ाके की गर्मी, भीषण तपती गर्मी के बीच भी सेवाएं अपनी देते हैं, ऐसा जीवन गृहमंत्री अमित शाह ने कल एक दिन के लिए यहां पर बिताया है। क्या मुख्य बातें रही, किस तरीके से अपना दिन व्यतीत किया, क्या क्या कार्य यहाँ पर रहे? अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और इस समय आज के परेड की कमान संभालते। हेलो जी योगेश जी, मैं बताना चाहता हूं, देश के गृह मंत्री पहली बार जवानों के बीच रात बिताने के बाद आज बीएसएफ के 57वें राइजिंग दिवस पर स्वर्ण नगरी जैसलमेर के पूनम स्टेडियम में कुछ ही देर में पधारने वाले हैं। उनके लिए यहां पे सभी तैयारियां की जा चुकी है और यहां पर बीएसएफ के जो जवान है वो परेड के लिए भी तैयार है। यहाँ पर उनके साहसिक कार्यक्रम को भी दिखाया जाएगा और जैसलमेर के जो सोनार किला है उसके ऊपर भी यहाँ तिरंगे लहराए जा रहे हैं और कुल ये देखा जा रहा है कि जो पूरा जैसलमेर का वातावरण है वो आज गरिमामय पूर्ण दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बीएसएफ के परिवारजन भी है और उनको भी सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर बांग्लादेश से आए डेलीगेशन को भी मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर शिरकत करते देखा जा रहा है। जी योगेश, इसके अलावा कल की अगर बात करें तो सुदूर रेगिस्तान के बीच एक छोटी सी बीएसएफ पोस्ट पर रात बिताने पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। एक सामान्य सैनिक का जीवन उन्होंने एक दिन के लिए जिया, उनके साथ भोजन किया, वार्तालाप की, साथ ही क्या कठिनाइयां उनको होती है कहा कि इसे कम करने का ये प्रयास है। किस तरीके से यहाँ पर पूरा जो कल रात का समय उनका था और दोपहर से लेकर रात तक क्या क्या एक्टिविटीज उन्होंने की वहाँ? जी, मैं बताना चाहता हूं, इस बार देश के लिए शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि सबसे पहले दी गई है और कल जो भारत के गृह मंत्री है वो जैसलमेर के तनोट्राय मंदिर पहुंचे थे, वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद बॉर्डर की रोहता चौकी पर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने जो भारत पाकिस्तान की बीओपी है वहां पर जाकर जो बीएसएफ के जवानों की स्थिति देखी, उनसे जानकारी ली और उनके हालचाल पूछे। इसी के साथ सबसे बड़ी बात यह रही कि उन्होंने वहां पर जवानों के साथ खाना भी खाया और उनके साथ ही रात बिताई, तो उसको लेकर जो गृह मंत्री के रात्रि विश्राम को लेकर पड़ोसी मुल्क के लिए भी ये एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। और यह जो उनका जो कार्यक्रम था वो बीएसएफ के जवानों को प्रेरित करने के लिए बहुत ही बड़ा कदम माना जा रहा है। बिल्कुल योगेश, उसके अलावा आने वाले जो कार्यक्रम की अगर बात करें तो उनके साथ में कौन कौन उपस्थित रहने वाला है, कल रात को कौन कौन साथ में उपस्थित रहा गृहमंत्री अमित शाह के और अब आगे के कार्यक्रम में किस तरीके से कौन कौन शामिल रहेगा? जी, मैं बताना चाहता हूं कि कल रात जो भारत के जल मंत्री है गजेंद्र सिंह, बीएसएफ के जो डीजी है पंकज कुमार घुमर, उसके साथ ही कई बीएसएफ के आला अधिकारी भी वहां पर उपस्थित रहे और उसके साथ ही आज जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के चीफ मेजर जनरल सफीनुल इस्लाम है वो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और उनकी मुख्य अतिथि में यह प्रोग्राम हो रहा है। उसके साथ ही जो जैसलमेर की जनता है उस वहां पर और जैसलमेर के जो जनप्रतिनिधि
प्रतिनिधि है, वो गणमान्य नागरिक है, वो पूरा स्टेडियम खसाकच यहाँ पर भरा हुआ दिखाई दे रहा है। और उसी के साथ सबसे बड़ी बात यह देखी जा रही है कि जो पहली बार जैसलमेर में भारत की राजधानी से बाहर यह प्रोग्राम हो रहा है, उसको लेकर यहाँ पर बहुत ही सुंदर और भव्य तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई है। और यहाँ पर देखा जाए तो बीएसएफ के जो जवान है उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरा चाक चौबंद व्यवस्था की है। और कुल मिलाकर जो बीएसएफ का जो 57वां डे है उसमें हर प्रांत से आए बहादुरों के दल को हम देख सकते हैं। बिल्कुल योगेश, उसके अलावा तनोट माता का जो इतिहास रहा है उससे पूरा देश वाकिफ है और बाहर से भी लोग आते रहते हैं। अमित शाह भी पहुंचे मंदिर में, किस तरीके से उन्होंने दर्शन किया और क्या क्या जो माता के मंदिर की खूबियां रही है भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ी हुई, उनको किस तरीके से जाना उन्होंने? जी, मैं बताना चाहता हूं कि जो तनोट माता का चमत्कारी मंदिर है वह जो बीएसएफ के लिए बहुत ही जो बीएसएफ के जवानों द्वारा ही संचालित किया जाता है। और जो तनोट माता का मंदिर है उसमें बीएसएफ के जवानों के साथ पूरे देश का अटूट विश्वास है। वो पहले की तरह ही इस क्षेत्र में जो कल्याण के कार्य हुए हैं और यह भी कहा जा रहा है कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो वहाँ पे करीब 450 बम पाकिस्तान द्वारा दागे गए थे लेकिन एक भी बम नहीं फटा था। वो बम आज वहीं पर सुरक्षित है। जो भारत के गृह मंत्री है उन्होंने भी उस जगह को देखा, वहाँ पर जो बम रखे हुए हैं उनकी जानकारी ली और जो तनोट माता के मंदिर में अमन चैन शांति की वहाँ पे दुआ मांगी और उसी के साथ वहाँ पर उन्होंने सैनिक सम्मेलन भी किया और बीएसएफ के जवानों को संबोधित किया। और बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो भारत सरकार है, जो हमारी सरकार है, वो बीएसएफ के जवानों के लिए कई योजनाएं लेके आ रही है। उन्होंने उन सब योजनाओं को वहाँ पे बताया और बीएसएफ के जवानों का हौसला बुलंद करने के लिए वो जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। बिल्कुल, चलिए योगेश बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिमी सीमा पर अपनी रात जवानों के साथ में व्यतीत की, सीमा चौकी का निरीक्षण भी उन्होंने इस दौरान किया।